हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो सीरीज़ में हम वर्डप्रेस के ग्लोबल वेरिएबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आप एक और वर्डप्रेस के ग्लोबल वेरिएबल WPDB के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपको सबसे पहले इंस्टॉल फोल्डर के अंदर, इसमें आपको WP-DB नाम का एक फाइल होगा, इसी में इसकी कोडिंग की गई हुई है। तो आप देख सकते हैं ये WPDB नाम का ये क्लास बना है, हमें इसी का एक इंस्टेंस मिलता है जिसका यूज करके अपने हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो ये क्वेरी बिल्डर है जिसका यूज करके आप अपने क्वेरी को रन करा सकते हैं। ये WPDB क्लास का ही इंस्टेंस है। तो चलिए, एप्लेट में function.php में मैंने एक एडमिन पेज बना रखा है। तो जैसे यहाँ से एड मेनू पेज करने से आप इस फंक्शन का यूज करके आप अपने एडमिन में एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये क्रिएट कर दिया हुआ है, इसी में मैं आपको WPDB ऑब्जेक्ट का यूज करके दिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसमें ग्लोबल WPDB को कॉल कर लेता हूँ, WPDB, और मैं एक फंक्शन होता है WPDB, मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए, तो गेट वेयर नाम का फंक्शन है, इसमें मैं क्वेरी पास कर दूंगा। तो सेलेक्ट पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल और इसमें मैं WP पोस्ट नाम का जो टेबल है वो पास कर दूंगा, और वेयर ID इक्वल टू 2 मैं कर देता हूँ। और इसे मैं अब किसी एक सिम्स वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, post_title। अब मैं इसे इको करके चेक करता हूँ, इको $post_title, इसे सेव किया और अपने एडमिन पेज में चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। ये एरर रिटर्न, ये मैंने फंक्शन गलत लिख दिया था, गेट वेयर का यूज करना है, इसे सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसे मैं सेव कर लिया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक बार चेक करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यूरी मैंने कहीं पे गलत लिख, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पोस्ट टाइटल फॉर्म, सॉरी फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा, तो मैं फॉर्म लिख देता हूँ। अब से ये क्यूरी में प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स, इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए सैंपल पेज आ गया, अब इसे चेक करना है तो मैं पेज पे चला जाता हूँ, या तो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एडिट करके सैंपल पेज का ID 2 होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 दिख रहा है, मैं यहाँ से पहले वो मैं अपना डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं WP पोस्ट टेबल का नाम है, यहाँ दूसरे पोस्ट पे आप देख सकते हैं पोस्ट ID यहाँ पे 2 है और इसका टाइटल पोस्ट टाइटल सैंपल पेज है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं दूसरी क्वेरी के बारे में बात करता हूँ, दूसरे फंक्शन के बारे में, तो मुझे एक रो पूरी रो की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा
एक इसको मैं रो में स्टोर करा लेता हूँ, तो डब्ल्यू पी डी आप चाहे तो इसके इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको यूज इस तरह से नहीं करना है तो ग्लोबल ग्लोबल्स, और इस तरह से जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप ग्लोबल वेरिएबल को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, तो अभी भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे चेंज कर देता हूं, और एक मुझे पूरा रो चाहिए तो मैं यहां पे टाइप करूंगा रो, और यहां पे डब्ल्यू पी डी बी ऑब्जेक्ट पे ये मेथड का यूज करूंगा, जो भी गेट रो फंक्शन का यूज करूंगा। इसमें मैं पास कर दूंगा क्यूरी सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम डब्ल्यू पी पोस्ट्स वेयर आई डी इक्वल टू 2 कर देता हूँ फ्रेंड्स, और मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, और इसे मैं आपको चेक कराने के लिए प्रिंट आउट कर दूंगा इको, पहले प्रिंट कर देता हूँ, उसके बाद प्रिंट आर, और यहाँ से पेस्ट कर दिया इसे, और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा रो रिटर्न कर दिया हमें, इसमें आईडी आ रहा है, ऑथर आईडी आ रही है, यहाँ पे कंटेंट दिख रहा होगा पोस्ट कंटेंट, यहाँ पे पोस्ट टाइटल दिख रहा है, पोस्ट स्टेटस दिख रहा है। इस तरह से आप सिंगल रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आपको इसको सिर्फ पोस्ट टाइटल या पोस्ट कंटेंट प्रिंट करना है तो अभी ये मैं इसको कमेंट करके आपको दिखाता हूँ, इको डॉलर रो और ऑब्जेक्ट पे पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल प्रिंट कर देता हूँ, इको डॉलर रो और यहाँ पे पोस्ट और कंटेंट, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। एक बीआर प्रिंट कर देता हूँ कि नीचे आ जाए, और मैं इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये टाइटल आ गया, ये कंटेंट हमारे जो मैंने पोस्ट का कंटेंट यूज किया। अगर आपको यूज करना है तो इसमें टैग भी यूज कर सकते हैं, जैसे H4 यूज कर लिया, और यहाँ से मैं इसे H4 से क्लोज कर देता हूँ, देखिए फिर इस तरह से आप कर सकते हैं। इसे सिंपली मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और ये इसे डबल कोट में ही डाल देता हूँ। अब इसे मैं चाहे पोस्ट कंटेंट भी आपको दिखा दिया, आप इसे चाहे तो आप अभी ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली अगर एरे में चाहिए रिजल्ट तो आप ऐसे कर सकते हैं, एरे ए का यूज कर लेंगे, एरे यूज ए करेंगे तो ये एसोसिएटिव एरे रिटर्न करेगा। फिलहाल अभी ऑब्जेक्ट का रिटर्न कर रहा तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सॉरी फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, ये अब एरे रिटर्न कर रहा है। अगर इसे हटा देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, रिटर्न करेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, एरे में रिटर्न कर रहा है। आप चाहें तो इसे न्यूमेरिक में, अगर न्यूमेरिक इंडेक्स वाली एरे चाहिए तो इसे आप एन कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिक वैल्यू में, न्यूमेरिक एरे में ये वैल्यू दे रहा है, तो आप जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो आपको इस तरह से आपको प्रिंट करना पड़ेगा इको रो, और इसमें पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल एसोसिएटिव वेर है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप कर सकते, आप एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए आप प्रिपेयर स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए इसमें आपको डॉलर डब्ल्यू पी डी बी प्रिपेयर, और इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ से इस तरह से कर देता हूँ। यहाँ पे मैं परसेंट डी लिख देता हूँ क्योंकि अभी इंटीजर में यूज कर रहा हूँ। आप इसके जगह पे अगर स्ट्रिंग होगा तो परसेंट एस, और फ्लोट होगा तो परसेंट एफ का यूज करेंगे। और यहाँ कॉमा देखिए मैं टू पास कर देता हूँ। अब भी रिफ्रेश करता हूँ, रिजल्ट सेम ही आएंगे क्योंकि मैंने प्रिपेयर सिर्फ सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के लिए यूज किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब मैं लास्ट में आपको एक रिजल्ट सेट रिटर्न कराना है, तो आपके लिए इसके लिए आता है गेट रिजल्ट्स नाम का मेथड, इसका यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पे डॉलर रिजल्ट्स गेट डब्लू पी डॉलर डब्लू पी डी बी, इस पर मैं गेट रिजल्ट्स इसमें यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डब्ल्यू पी पोस्ट वेयर आई डी इन, इसमें टू और थ्री पास कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इस सबको हटा देता हूँ और यहाँ पे इको प्री और प्रिंटर डॉलर रिजल्ट्स इसे मैं प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सैम्पल पेज जिसका पेज आईडी जो आईडी टू है, और इसके बाद नीचे देखिए फ्रेंड्स प्राइवेसी एंड पॉलिसी पेज है, इसकी आईडी थ्री है। तो ये दो पेज आ गए हैं। आप इसे चाहे तो वाइल लूप के अंदर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए उसको मैं दिखा देता हूँ आपको प्रिंट करके। तो इसके लिए मैं फॉरिच लूप का यूज कर लेता हूँ, फॉरिच डॉलर रिजल्ट्स एज डॉलर रिजल्ट, और इसे मैं इको कर दूंगा एच टू टैग के अंदर डॉलर रिजल्ट इसके अंदर पोस्ट अंडरस्कोर टाइटल, एच टू को मैं क्लोज कर दूंगा, और इसे बी आर भी लेता हूँ क्योंकि लाइन ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। तो इसे मैं आपको रिफ्रेश करा के दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दो मुझे पोस्ट की टाइटल मिल गए। इस तरह से आप डब्ल्यू पी डी डी बी का आप यूज कर सकते हैं क्यूरी रन कराने, एग्जीक्यूट कराने के लिए। आप आसानी से डब्ल्यू पी डी बी
नाम के ऑब्जेक्ट को ग्लोबल वेरिएबल है, उसका यूज करके आप अपने क्वेरी को यूज कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो यहाँ पे एरे भी पास करके एरे ए का यूज कर लूँगा, लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा तो मुझे इस तरह से नहीं, इसे इस तरह से एरे का इंडेक्स पास करना पड़ेगा। और इसे मैं सिंपली देखिए फ्रेंड्स, ये दिख रहा है सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी। इसको मैं बी आर प्रिंट कर देता हूँ, इसको बी आर इस तरह से आप डब्ल्यू पी डी बी का यूज कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।